फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉफ्ट स्टार यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रेडमी नोट 7 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि Xiaomi ने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली 13 तारीख को। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले यहाँ से हम इस बॉक्स को कर लेते हैं अनबॉक्स। यहाँ से हम इसके टेप को काटेंगे और इसके बाद आप यहां से देखेंगे हम इसको ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, अभी Xiaomi ने Redmi Note 7 को बहुत ही जल्दी लॉन्च किया है और इसमें आपको ब्लू कलर का वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा Redmi Note 7 का। और इसमें बात करें, जो फ़ोन है वह 4GB और 64GB रैम के साथ वाला है और इसमें आप देख पाएंगे कि इस तरीके से पैकिंग की गई है। तो चलिए हम इस फ़ोन को इस बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकालने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि बॉक्स पूरी तरीके से खाली हो गया है। और अब यहाँ पे हमें एक पेपर मिला हुआ है, तो हम पेपर को भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा पेपर और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फ़ोन का प्राइस दिख रहा है 11,999, जो कि 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। तो कुछ इस तरीके से बिल है। चलिए इसको साइड रखते हैं और इस फ़ोन को करते हैं ओपन। तो सबसे पहले हम ऊपर चढ़ी हुई पॉलीथीन को ऊपर से हटा देते हैं। तो चलिए इसको यहाँ से इस तरीके से ऐसे ऐसे करके हम हटाते हैं। तो काफ़ी मजबूती के साथ पैकिंग की गई है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी मजबूत है। तो हम इसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं और देखिए यहाँ से हट गया और ये रहा हमारा बॉक्स Redmi Note 7 का। तो बाहर से देखने में कुछ इस तरीके से है और साइड में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिख रहा है। और बात करते हैं पीछे की, तो आपको यहाँ दिखेगा Redmi Note 7 और यहाँ पे साई पर ब्लू कलर है और यहाँ पे 4GB रैम और 64GB इंटरनल के साथ में आता है मेड इन इंडिया। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है, टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट, फ्रंट एंड बैक, कुछ इस तरीके से बॉक्स है। तो चलिए करते हैं इस बॉक्स को ओपन। तो सिंपली आप देखेंगे हमारे यहाँ इस बॉक्स के अंदर दो सील लगी हुई है, एक साइड में और एक उसके विपरीत। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा सील, तो हम इसको ब्लेड से काट देते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे भी एक यहाँ पे सील लगा हुआ है, सो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब यहाँ से हम बॉक्स को खोलेंगे। तो बॉक्स देखिए कुछ इस तरीके से खुल गया। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ से देखते हैं कि पहले क्या मिलता है। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें बैक कवर मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे कि सिम को रिमूव करने के लिए इस तरीके से हमें पिन नंबर मिल गया है, तो उसकी सहायता से हम सिम कार्ड को निकाल सकते हैं। और ये रहा हमारा बैक, जो कि ट्रांसपेरेंट बैक कवर है, देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ और हल्का है, जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का है। सो इसको हम अभी साइड में रखते हैं और अब देखते हैं आगे क्या क्या हमें मिलता है इस बॉक्स के अंदर। यहाँ पे रहा कुछ पेपर और इसको भी हम साइड करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रहा Redmi Note 7 स्मार्टफोन। तो हम इसको बॉक्स से बाहर निकालते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से फ़ोन दिखता है, सो हम इसको बाहर अभी निकालते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है Redmi Note 7। और बैक में आप देखेंगे तो कुछ ब्लू इस तरीके से आपको दिखेगा और पूरी तरीके से कांच की तरह चमक रहा है, जो कि वाकई में वह शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट है। वाकई ब्लू एक बहुत ही बेहतरीन कलर है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अभी इसको भी साइड रखते हैं और देखते हैं अभी अंदर क्या है। तो यहाँ से हमें एक
इस तरीके से कवर मिल गया। और हम इसके बाद अब देखते हैं, यहाँ से हमें यूएसबी टाइप सी, हमें यहाँ से यूएसबी केबल मिलता है जो कि यूएसबी टाइप सी सपोर्ट करता है, और हमें टाइप सी का हमें यहाँ पे यूएसबी मिला हुआ है। तो टाइप सी की बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी यह है कि यह हम उल्टा सीधा जिस तरीके से चाहें उस तरीके से फ़ोन के अंदर हम लगा सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ से कैमरे को जूम कर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं टाइप सी को। तो Redmi Note 7 में आपको टाइप सी मिल जाती है चार्जिंग के लिए। तो चलिए, इसको भी हम अभी साइड रखते हैं और अब देखते हैं एडाप्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडाप्टर Xiaomi का मिला हुआ है, और यहाँ से एडाप्टर भी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का, और यहाँ पे प्रोडक्ट की मार्किंग की गई है, और यहाँ से आप देख सकते हैं उसके नंबर वगैरह यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए, यहाँ पे चार्जर के फ्रंट पे कुछ इस तरीके से नंबर वगैरह लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए, हम इसको भी अब साइड रखते हैं, और हम इन चीज़ों को साइड करने के बाद सीधे स्मार्टफोन को देखते हैं कि स्मार्टफोन दिखने में इसका लुक कैसा है। तो आप देख सकते हैं कुछ साइड से इस तरीके से आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप का बटन मिल जाता है। नीचे आपको टाइप सी चार्जर और दो स्पीकर मिल जाता है, और एक वॉल्यूम मिल जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं साइड में, यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाता है, और ऊपर आपको एक IR ब्लास्टर और माइक, और उसके बाद आपको ईयरफोन जैक मिल जाता है। फ्रंट में बैक में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें कैमरा मिल जा रहा है, और बीच में आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट हमें दिया हुआ है। वाकई में बेहतरीन क्वालिटी का ब्लू कलर का स्मार्टफोन है, दिखने में बिल्कुल मस्त लग रहा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से कांच की तरह ये चमक रहा है। तो चलिए, फ़ोन को करते हैं अनबूट फर्स्ट टाइम और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले फ्रंट साइड से जो यह आपको दिख रहा है पॉलीथीन, इसको हम करते हैं रिमूव। तो यहाँ से हम इसको कर देंगे रिमूव, और रिमूव करने के बाद हम इस फ़ोन को करते हैं बूट। तो चलिए, इस फ़ोन का फर्स्ट बूट हम करते हैं और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ से हम पावर बटन को प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि फ़ोन बूट होना स्टार्ट हो गया है। तो हम इंतज़ार करते हैं बूट होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ नज़र आ रहा है Redmi by Xiaomi, और नीचे आपको Android लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और कुछ इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने फ़ोन बूट हो रहा है, और जस्ट 1 सेकेंड आ गया, और यहाँ से MIUI 10 इसमें ऑलरेडी अपडेटेड है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ से चूज लैंग्वेज पे हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें से हम इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको चूज योर रीजन का ऑप्शन दे रहा है, तो हम यहाँ से कोई एक कंट्री चूज कर लेंगे। यहाँ से हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, इंडिया सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट टू नेटवर्क का ऑप्शन रहा, हम स्किप कर देंगे, और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नीचे स्किप का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको भी हम स्किप कर देंगे, और एक बार फिर स्किप कर देंगे, और फिर भी नीचे आपको अभी ऑप्शन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे सिम कार्ड लगाने वाले नहीं हैं, तो इसको भी हम स्किप करते हैं, सॉरी नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ से स्क्रॉल करके एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे सेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो ओनली स्क्रीन लॉक अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न पिन या पासवर्ड मांग रहा है, और ऊपर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको हमको नहीं करना है, तो हम स्किप कर देंगे, और यहाँ से हम कुछ थीम सेलेक्ट करते हैं, कोई भी एक थीम सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे लोडिंग होगी, और लोडिंग होने के बाद जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वह आ जाएंगी हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो हम यहाँ से यहाँ पे भी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं फ़ोन को ऑन होने तक। तो
तो अभी भी लोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। और अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो हमारा फ़ोन है बिल्कुल ओपन हो गया है और कुछ इस तरीके से फर्स्ट लुक है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐड आ गया, इसको हम स्किप करते हैं और यहाँ से देख सकते हैं ये रहा Redmi Note 7 का फर्स्ट बूट। और यहाँ से हम चलते हैं सेटिंग में और यहाँ से आप देख सकते हैं सेटिंग में सबसे पहले हम अबाउट फ़ोन ओपन करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा हुआ नज़र आ रहा है Redmi Note 7। आप यहाँ से देख पाएंगे Redmi Note 7। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका रैम है वो 4GB का ब्रांड वेरिएंट है। और उसके बाद आप देखेंगे कि फ़ोन काफ़ी स्मूथ चल रहा है, काफ़ी बेहतरीन चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से सारे फंक्शन को हम चेक कर रहे हैं। तो ये थी Redmi Note 7 की अनबॉक्सिंग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आई होगी और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आए तो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही टेक्नोलॉजी वीडियोज़ देखने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसमें आप देख सकते हैं कि यह फ़ोन काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। तो प्लीज़ 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 वीडियो को कर दो लाइक। मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए द सॉफ्टवेयर स्टार के साथ। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।